कुंभलगढ़ एक दिन पूर्व क्षेत्र के केलवाड़ा तालाब स्थित वाया लाखेला होटल में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें रोकड़ और सोने के नकदी अज्ञात चोर उड़ा ले गया। केलवाड़ा थाना अधिकारी प्रवीण टाक ने बताया कि लादूला पिता कालूलाल चंडालिया निवासी भोपाल सागर जिला चित्तौड़ ने रिपोर्ट दी कि उसकी भांजी की वाया लाखेला होटल में शादी थी, जहां पर वह मायरा का सामान लेकर आए थे जो कि होटल के एक हॉल में रखा था, जिसमें एक लाल रंग के हैंडबैग में जिसमें सोने का बाजूबंद और सोने की चेन, एक सोने की दो अंगूठियां, एक जोड़ी कान की झुमकियां, एक जोड़ी चांदी के पाए, जब करीब 1,51,000 नगद का लिफाफा में करीब 35,000 के करीब रुपए रखे हुए थे। हैंडबैग को सामान के साथ ही रखा था जो वहां से गायब था। ढूंढने पर भी नहीं मिला तो बाद में होटल के CCTV की जांच, जिसमें पता चला कि एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने, उसके पर पिंक कलर के प्रिंटेड कुर्ती पहने एक लड़का होटल से बाहर लेकर चला गया, जिसकी तलाश शुरू की पर वह नहीं मिला। टाक ने बताया कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।